पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक जबरदस्त सड़क हादसे के बाद लोगों ने तोड़फोड़ की। बताया गया कि वहां पुलिस की गाड़ी और एक बाइक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया। गुस्साई भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी इस गाड़ी पर मोटे मोटे पत्थर बरसाए। भीड़ ने पत्थरों की बौछार से इसी तरह कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर किए। इसका कार ने शायद ब्रेक किया कि नहीं पता, लेकिन लड़के लोग ने आगे साइड पे ठोक दिया। हंगामा कर रहे इन लोगों ने थाने के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटरों को भी नहीं बख्शा। पुलिस वालों ने भीड़ में शामिल लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली। इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क पर अपनी गाड़ियां अड़ा दी, जिससे वहां जैम जैसे हालात बन गए। चंडीगढ़ में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुए इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी। कांग्रेस नेताओं का एक दल खच्चर पर मोटरसाइकिल रखकर विरोध मार्च के लिए निकल पड़ा और नारेबाजी करते हुए सरकार से बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग करता रहा। खच्चर गाड़ी पर कुछ नेता एक मोटरसाइकिल के साथ सवार हो गए, साथ में एक गैस सिलेंडर भी रखा गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के चेहरे के छोटे छोटे कटआउट भी गले में टांगे रखे। कांग्रेस के झंडे और नारों वाली तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। जिस तरीके से मोटरसाइकिल और सिलेंडर आज आम लोगों से बाहर हो चुका है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट खच्चर के ऊपर लोगों को चढ़ने पर मजबूर कर दिया। भारी संख्या में चंडीगढ़ पुलिस के जवान भी रास्तों पर तैनात रहे और विपक्ष का यह हंगामा तब शुरू हुआ जब पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम केवल 4 दिन में दूसरी बार बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगाई के कारण एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ, जिसके कारण दिल्ली में एक साल के बाद एलपीजी गैस के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 800 रुपए के पार चली गई। इससे पहले 1 मार्च 2020 को दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 805 रुपए थी। हालांकि बाद में कोरोना संकट के बीच जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होकर 600 रुपए के भी नीचे पहुंच गई थी। 30 नवंबर 2020 को दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 594 रुपए थी, लेकिन दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में ही एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 38% बढ़ गई और एक सिलेंडर की कीमत 225 रुपए बढ़कर 819 रुपए पर पहुंच गई। अकेले फरवरी में ही सिलेंडर 125 रुपए महंगा हो गया। पहले 4 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ाए गए, फिर 15 फरवरी को सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। इसके बाद 25 फरवरी को 25 रुपए और 1 मार्च को कीमत 25 रुपए और बढ़ गई। हरियाणा के सोनीपत में कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की बुरी तरह से पिटाई की। बताया गया कि बाइक खड़ी करने के लिए इस दुकानदार की कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी और इसी बात से खफा बदमाशों ने उस दुकानदार को पीट दिया। घटना के वीडियो में ये हमलावर चेहरा ढके एक दुकान की तरफ जाते दिखे, जिसके बाद उन्होंने अचानक हमला बोल दिया। मारपीट होती देख सामने वाली दुकान से कुछ लोग हमलावरों की तरफ लपके, तभी दूसरे दुकानदार भी मदद के लिए दौड़ पड़े। इस बीच भीड़ बढ़ती देख हमलावर भागने लगे। उनके हाथों में बेल्टें और रॉड थी जो उनके सर में उन्होंने मारी। लोगों ने घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जेल में बंद एक लेखक की मौत के विरोध में प्रदर्शन करने उतरे छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद किए गए मुश्ताक अहमद नाम के लेखक की 2 दिन पहले मौत हो गई थी, जिसके विरोध में लेफ्ट से जुड़े एक छात्र संगठन के सदस्य वहां के गृह मंत्रालय का घेराव करने पहुंच गए। रोका गया तो उनके और पुलिस के बीच सड़क पर जंग छिड़ गई। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई और उसे पार करने पर आमादा छात्रों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। इससे पहले छात्रों की टोली एक पुलिस बैरिकेड तोड़ती भी नजर आई। सामने खड़ी पुलिस की फौज को चुनौती देते हुए कुछ छात्र आगे आए और एक एक कर वहां लगे बैरिकेड हटाने लगे। वो वहां से तो आगे बढ़ गए, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान छात्रों ने शहर के कई इलाकों में मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने उन 7 छात्रों को भी तुरंत रिहा करने की मांग की, जिन्हें लेखक की मौत के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गुजरात सरकार बजट सत्र में लव जिहाद पर कानून लाएगी। मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि नाम बदलकर लड़कियों को फुसलाने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए सरकार इसी बजट सत्र में इस कानून को लाएगी। इस विधानसभा के सत्र के अंदर हमने जो ऑर्डिनेंस बनाए थे और उस ऑर्डिनेंस को बिल के अंदर कन्वर्ट करने के साथ साथ हम
गुजरात विधानसभा के अंदर लव जिहाद का कायदा लाएंगे, उस हिसाब से धर्म स्वातंत्र हमारा जो कानून है उसके अंदर अमेंडमेंट करके लव जिहाद के इस शैतान को कंट्रोल करने के लिए जो लोग अपना हिंदू नाम धारण करके हमारी बहनों और हमारी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराकर अंतर धर्म शादी कराकर उनका शोषण का काम करते हैं, उनको रुक जाओ करने के लिए हम ये कानून इस विधानसभा के बजट सत्र के अंदर ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां पुलिस ने पानी के एक टैंकर से 9 गाय भैंसों को बरामद किया। बताया गया कि उन्हें तस्करी कर जम्मू से कश्मीर ले जाया जा रहा था, लेकिन तस्करों की चाल पुलिस ने नाकाम कर दी और सभी जानवरों को छुड़ा लिया। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि कैसे उस टैंकर में कई बेजुबानों को बेदर्दी से ठूंसा गया था। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने टैंकर के अंदर थर्मोकोल की शीट भी लगाई थी, ताकि बाहर से अगर कोई उस पर हाथ लगाए तो वो खाली न लगे और गाय भैंसों की आवाज भी बाहर न जाए। पुलिस ने बताया गया कि उसमें लगभग 9 जानवर बंद थे जिनकी हालत काफी खराब थी। पानी के टैंकर के आड़ में इसे कश्मीर पहुंचाने का इनका मंसूबा था। पुलिस ने उन सभी को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई। दिल्ली एनसीआर के लोगों को पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद एक और झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। सीएनजी के दाम 70 पैसे और पीएनजी के दाम 91 पैसे बढ़ गए, जिसके बाद अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत 43.40 रुपए तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 49.08 रुपए जा पहुंची। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। बताया गया कि कोरोना की वजह से आईजीएल के खर्चों में हुई बढ़ोतरी की वजह से दाम बढ़ाए गए हैं। मुंबई में पिछले साल अचानक खड़े हुए बिजली संकट के तार चीन से जुड़ते दिख रहे हैं। news18.com की रिपोर्ट है कि बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प में मात खाने के बाद चीन ने भारत में साइबर अटैक की कोशिश की थी, जिसकी वजह से पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में एक दिन के लिए ब्लैकआउट हो गया। ये घटना चीन के एक बड़े साइबर मिशन का हिस्सा थी, जिसका मकसद भारत के पावर ग्रिड को ठप करना था। दावा तो यहां तक किया गया कि चीन ने यह भी योजना बना ली थी कि अगर गलवान घाटी में भारत दबाव बनाता है तो वो पूरे देश को अंधेरे में डुबो देगी। यानी केवल मुंबई नहीं, देश भर के कई पावर ग्रिड चीन के हैकरों के निशाने पर। लेकिन कई वायरस के सक्रिय नहीं हो पाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इस मामले की पड़ताल में जुट गई, और इस बीच केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि उस दौरान डेटा की कोई चोरी नहीं हुई। सेवरल ब्लैकलिस्टेड आईपी कंपनीज या रेटिंग एजेंसीज, इन्होंने शायद एमएसईबी के सर्वर में लॉगिन के अटेम्प्ट किए हो। पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। अब प्रशांत किशोर का दर्जा वहाँ कैबिनेट मंत्री का होगा। इससे पहले उन्होंने साल 2017 में भी कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। ऐसे में अब अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। इसके अलावा वो वहाँ बूथ समिति की बैठक और पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। दीनदयाल जी हम सब के करोड़ों कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत रहे। दिल्ली के 30,000 में क्वीन मैरी स्कूल के बाहर कुछ छात्रों और उनके घर वालों ने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि एक छात्रा को कोरोना हुआ है और स्कूल में कोरोना नियमों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने 9वीं और 11वीं क्लास की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने की मांग की। अगर आप लोगों ने बताया कि आप लोग पॉजिटिव हो तो फिर हम लोग आपको सस्पेंड कर देंगे। बंगाल में ड्रग्स केस में गिरफ्तार बीजेपी नेता राकेश सिंह को कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट के बाहर उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ टीएमसी नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है। अभिषेक बनर्जी और मुरलीधर शर्मा का एक बहुत बड़ा साजिश था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ममता बनर्जी के गढ़ माने जाने वाले मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आज सुबह 9 बजे योगी आदित्यनाथ बंगाल के लिए होंगे रवाना और वहां विधानसभा चुनाव के लिए मालदा में रैली करेंगे।
5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ये पहली बड़ी रैली होगी, जिसमें स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी के एक स्कूल में छात्रों से मिले, जहां वो मस्ती भरे मूड में नजर आए। वहां उन्होंने छात्रों के साथ डांस किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जापान की मार्शल आर्ट आइकिडो का हुनर भी दिखाया। इसके बाद एक छात्रा ने उन्हें पुशअप्स लगाने का चैलेंज दिया, तो बिना आनाकानी किए राहुल तुरंत शुरू हो गए और इतनी फुर्ती से उन्होंने पुशअप लगाए कि सबके सब दंग रह गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर दौरे पर जाएंगे। वो पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उनका मालवीय नगर इलाके में कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हैं और जयपुर में कई जगह उनके स्वागत की तैयारी है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के विरोध में एक बार फिर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर सख्ती बरती, लेकिन इसके बावजूद कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। यांगोन से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोलों का सामना करते हुए भी अपना विरोध जारी रखा। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से थोड़ी देर के लिए वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागते दिखे, लेकिन उन्होंने पानी से अपने चेहरे धोए और एक बार फिर सैन्य शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी पानी की बौछार से बचने के लिए छाता लिए भी दिखाई दी। देश के कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गोली लगी। इस बदमाश की लूट और बलात्कार के मामलों में पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने इस बदमाश के पास से एक अवैध हथियार के साथ साथ कारतूस भी बरामद किए, जिसके बाद इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने इसका पीछा किया, इसने अपने बचाव में फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इसके पैर पे गोली लगी है, लेकिन इसको सफलतापूर्वक अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सजा करवाई जा सके। ड्राइविंग करते वक्त हाईवे के टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से होने वाली परेशानी से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश के सभी नेशनल हाईवे के टोल नाकों पर ट्रैफिक की जानकारी अब लोगों को लाइव मिल सकेगी। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इसका फायदा यह होगा कि लोग जिस भी टोल नाके से गुजरने वाले हों, वहां पहुंचने से पहले टोल नाके पर लगे ट्रैफिक जैम की जानकारी पहले से मिल जाएगी। इसके लिए लोगों को सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट nhai.gov.in पर लॉगिन करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक देश में टोल नाकों पर मौजूदा वेटिंग टाइम औसतन 3 मिनट से ज्यादा है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि इस वेटिंग टाइम को 1 मिनट से कम पर लाया जा सके। हिरासत के विरोध में चंद्रबाबू नायडू एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को तिरुपति एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। चंद्रबाबू नायडू तिरुपति और चित्तूर में चुनाव प्रचार करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका की वजह से उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। राज्य में 10 मार्च को निकाय चुनाव होने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, न कि कोविन ऐप पर। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कुछ टीएमसी नेताओं के नाम दीवारों पर लिख दिए गए और उन्हें चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बताया गया, लेकिन जैसे ही मीडिया में ये बात आई, इन नामों को ढक दिया गया। दिल्ली के साकेत इलाके में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार पेड़ से टकरा गई। इस गाड़ी के पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी भी संभल नहीं सकी और मर्सिडीज को पीछे से टक्कर मार दी। बताया गया कि हादसे के वक्त मर्सिडीज में 2 लोग बैठे हुए थे, जिनमें एक आदमी जख्मी हो गया, जबकि पीछे से टकराई गाड़ी में बैठा आदमी भी बाल बाल बच गया। उतनी डीजल लेने आए थे, गाड़ी से डीजल लेने आए थे, वो किसी ने रॉन्ग टर्न कर ली गाड़ी, उस चक्कर में वो पेड़ से टकरा गई गाड़ी, तो वो पर सब सेफ है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क को इस बार सिर्फ 2 महीने ही बंद रखने के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया गया। भारी बर्फबारी की वजह से हर साल श्रीनगर लेह हाईवे को मार्च के आखिर या अप्रैल में खोला जाता था, लेकिन सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO की मेहनत ने लोगों की राह आसान कर दी।
बीआरओ के जवान भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड की भी परवाह न करते हुए पिछले 2 महीने से लगातार इस काम में जुटे रहे। बर्फ हटाने वाली मशीनों के जरिए उन्होंने इस बेहद मुश्किल काम को भी आसान कर दिया। भीषण बर्फबारी की वजह से हर साल इस हाईवे को 4 या 5 महीनों के लिए बंद करना पड़ता था। फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू ओपन जोजिला सो अर्ली। इस हाईवे के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। उम्मीद जताई गई कि श्रीनगर लेह हाईवे खुल जाने से लद्दाख पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। बीजेपी ने टीएमसी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लेकर बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम की शिकायत की है। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक मस्जिद में जाकर एक खास वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे वादे किए हैं जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को इस शिकायत के साथ एक वीडियो भी सौंपा है। बीजेपी का दावा है कि ये वीडियो 27 फरवरी का है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि उसके कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया, जिसमें वो और उनकी 85 साल की मां बुरी तरह घायल हो गई और इस घटना के सामने आते ही उसने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने वहां के थाने का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इससे पहले घटना के विरोध में बीजेपी ने एक मार्च निकाला, जिसमें महिला मोर्चा की अगुवाई में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुईं। कार्यकर्ताओं को थाने की तरफ बढ़ते देख वहां के गेट बंद कर दिए गए, लेकिन महिलाओं ने गेट पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। जो करता तार बाड़ीते ढुके तृणमूलेर दुष्कृतीरा ताके मेरेछे एवं तार वयस्क माके मेरेछे। घटना पर सियासत गरमाती देख टीएमसी ने भी सफाई दी और बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आरोप झूठा है, लेकिन घटना जो घटे है वो बहुत ही खराब है। लेकिन गोपाल मजुमदार और उनकी मां पर हुए हमले के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी हरकत में आ गया और उसने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख हमले पर चिंता जाहिर की। उत्तराखंड के चमोली में दो इलाकों को जोड़ने वाली 19 किलोमीटर लंबी एक सड़क को चौड़ा करने का विरोध कर रहे कई लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार की। इतने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो वहीं डटे रहे, तो मजबूरन पुलिस को उन पर लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस की सख्ती के बाद वो लोग तितर बितर होने लगे। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल दिखी, जिन्हें पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। आरोप है कि इसके बाद वहां कुछ गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। चीन के कुछ प्रांतों में बर्फीले तूफान ने ऐसा धावा बोला कि मौसम विभाग को सावधान रहने की चेतावनी जारी करनी पड़ी। वहां हाल यह हो गया कि कोरोना के बाद अब भारी बर्फबारी और खून जमा देने वाली ठंड ने लॉकडाउन लगा दिया है, क्योंकि तस्वीर में चीन के उत्तर पूर्वी छोर पर मौजूद हेलोंगजियांग प्रांत में सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई कि वो काल का दूसरा नाम बने। नतीजा प्रांत के 13 हाईवे बंद करने पड़े। शिनजियांग प्रांत में तो बर्फीले तूफान ने 20 घंटों तक ऐसा कहर ढाया कि हवाई जहाजों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। एयरपोर्ट से रनवे तो जैसे गायब ही हो गए। इस वजह से कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और 80 उड़ानें रद्द हों। चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में भी इतनी धुआंधार बर्फ गिरती दिखी कि सामने बर्फ के सिवा कुछ भी दिखाई देना बंद हो। चीन के गंसू और सांची प्रांतों में भी भारी बर्फबारी ने लोगों को पंगु बनाकर रख दिया। रूस ने पर्यावरण पर निगरानी रखने के लिए एक खास उपग्रह को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। ये उपग्रह आर्कटिक महासागर के इलाके की निगरानी करेगा, जिसे कजाकिस्तान के एक लॉन्च पैड से छोड़ा गया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रूस का सोयूज रॉकेट उपग्रह के साथ आसमान की तरफ बढ़ने लगा और जल्द ही उसने जरूरी ऊंचाई हासिल कर ली और उपग्रह को उसकी कक्षा में छोड़ दिया। ये उपग्रह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक महासागर में होने वाले बदलावों पर नजर रखेगा। इसके अलावा ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जैसे कामों में भी मददगार साबित होगा। कोरोना का टीका लगवाने के दूसरे चरण के पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और उन सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जो इसके योग्य हैं, क्योंकि वैक्सीन से जुड़ी कई अफवाहें फैलाई गई जिन पर पीएम ने फुल स्टॉप लगा दिया और मुस्कुराते हुए भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। लोगों को दिक्कत न हो इसलिए प्रधानमंत्री सूरज निकलने से पहले ही दिल्ली के एम्स पहुंच गए, जहां वो उस वार्ड में गए जिसमें कोरोना का टीका लगाया जाता है। वहां उन्होंने खुद फॉर्म भरकर वैक्सीन लगवाने के लिए हामी भरी।
जिसके बाद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में दो नर्सों की मदद से प्रधानमंत्री को सुबह 6:25 पर वैक्सीन की पहली डोज दी गई। टीके की पहली खुराक लेते ही पीएम ने देश के लोगों से भारत को कोरोना मुक्त बनाने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने हंसते हंसते वैक्सीन लगवाने की तस्वीर शेयर की और ये संदेश दिया कि लोग बिना डरे इस मुहिम का हिस्सा बने। कोई कहता है कि ये खतरनाक है या ये वैक्सीन जो है इसमें कमी है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको लेकर सारे देश को एक बड़ा पवित्र संदेश दिया है। यही नहीं, पीएम ने भारत में बनी वैक्सीन लगवाकर उन लोगों को करारा जवाब दिया जिन्होंने इस पर उंगली उठाई थी। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो है वो सेफ है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों और अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। यही वजह रही कि 70 साल के प्रधानमंत्री ने अपनी बारी आते ही कोरोना की वैक्सीन लगवाई। लेकिन विपक्ष इसमें भी सियासत करने से बाज नहीं आया। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन का चुनावी कनेक्शन जोड़ दिया। उसने आरोप लगाया कि पीएम टीका लगवाकर चुनावों में इसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि इस दौरान उनके कंधे पर नजर आ रहा गमछा असम का था, जबकि वैक्सीन देते समय वहां मौजूद नर्सों में एक पुदुचेरी की और एक केरल की है। ये वैक्सीन थी या इलेक्शन कैंपेन था? एक नर्स केरला की, एक नर्स पांडिचेरी की, गमसा आसाम का। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप का करारा जवाब दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक ही बात कहूंगा, आप वैक्सीन लगाइए तो जो चारों जगह चुनाव उसके कपड़े पहन के जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों, सांसदों और नेताओं को उनके अपने क्षेत्र में वैक्सीन लगवाने को कहा, साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो मुफ्त में टीका न लगवाएं। गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला जान देने के इरादे से नदी में कूद गई, लेकिन वहां मौजूद दमकल कर्मियों ने उसे बचा लिया। बताया गया कि नदी में छलांग लगाते ही उन्होंने उसे देख लिया, जिसके बाद दमकल कर्मी तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे नदी से निकालने लगे। सामने आई तस्वीरों में तीनों दमकल कर्मी पानी में गिरी उस महिला को बोट पर चढ़ाते दिखे। इस दौरान वो बिल्कुल बेसुध थी, लेकिन बाद में वो होश में आ गई। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर सैयद सलाउद्दीन को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भारी दबाव है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते के बाद से हालात बदले हैं। यही नहीं, आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF का पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। बताया गया कि गिरफ्तारी से सहमा सलाउद्दीन POK के मुजफ्फराबाद में किसी गुमनाम ठिकाने पर छिप गया है, जबकि इससे पहले वो रावलपिंडी के एक सेफ हाउस में रह रहा था, जहां उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हर जरूरी सुविधा मुहैया करा रही। ट्रंप ने 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के संकेत दिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि वो 2024 में तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। फ्लोरिडा में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया। A Republican president will make a triumphant return to the White House. कोलकाता में बीजेपी के कुछ नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। बीजेपी के इन नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस के कुछ अधिकारी विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की कोशिश में हैं। इसी पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखित में शिकायत दी। हमारे संज्ञान में पहले बार आया है कि पुलिस कर्मियों का वोट लूट होने का पूरा पूरा एक खाका बन गया है। पिछले साल हुए कानपुर मुठभेड़ मामले में STF ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी विकास दुबे और उसके साथियों को भगाने का आरोप है। यही नहीं, STF ने इनके पास से ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल समेत कई आधुनिक हथियार भी बरामद किए। गुजरात के CM विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी ने गांधीनगर में कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद उन्होंने इसे सुरक्षित बताया, साथ ही बाकी लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। रूस से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक पूरा कस्बा बर्फ की चादर से ढक गया। कोयला खदानों के लिए मशहूर वहां के वकूरता शहर के पास मौजूद ये इलाका छोटी गर्मियों और लंबी और कड़ाके की ठंड के लिए जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में गर्मी का मौसम आने के बाद भी बर्फ से ढका रहता है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में इमारतें बर्फ से लिपटी दिखी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो कि किसी ने उन पर सफेदी पोत दी हो। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां बर्फ में बिल्कुल ही छिप गईं।
वहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री तक रहता है और यही वजह है कि उस शहर को इंसानों के रहने लायक जगह नहीं समझा जाता और सर्दियों में तो वो पूरा इलाका वीरान हो जाता है। गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक इमारत में आग लगने के बाद कुछ लोगों ने जान जोखिम में डालकर अपनी जान बचाई। ये आग इमारत की चौथी मंजिल पर लगी, जिसमें कुछ पल के लिए सबके हाथ पांव जिसने फुला कर रख दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को खिड़की से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना आखिरी विकल्प दिखा। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें चौथी मंजिल की एक खिड़की पर कुछ लोग लटके दिखाई दिए। इन लोगों में एक महिला भी शामिल रही, जिसे एक आदमी ने उस इमारत की एक दूसरी खिड़की पर मौजूद कुछ लोगों की मदद से सुरक्षित अंदर पहुंचाया। इस बीच आग लगने की वजह से इमारत से धुआं उठता नजर आया। एक तरफ खिड़की के जरिए लोग अपनी जान बचाने में जुटे दिखे, तो दूसरी तरफ सड़क पर दमकल की कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दी, जिनकी मदद से आग को कुछ देर में बुझा लिया। मुंबई के वडाला से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें पार्किंग में खड़ी दो बसों में भीषण आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि उसने दोनों बसों को कुछ ही देर में पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते बसों से आग की लपटों के साथ धुआं उठता हुआ दिखा, जिसे देखकर वहां जमा हुए लोग घबरा गए। जिस जगह ये घटना हुई उसके बिल्कुल पास इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप भी है। जरा सी चिंगारी पेट्रोल पंप तक पहुंचते ही हादसा और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते आग को बुझा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चंडीगढ़ में विधानसभा के घेराव की कोशिश कर रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। अकाली दल ने पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और विरोध के तौर पर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से तैयार पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। हालांकि पानी की बौछार का कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ा और वो बैरिकेड के ऊपर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करते दिखे। हालांकि पानी की बौछार के जरिए पुलिस ने उन्हें किसी तरह रोक तो लिया, लेकिन वो प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने में नाकाम रही। इस बीच अकाली दल के नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस पर सांठगांठ का आरोप लगाया। बीजेपी ते कांग्रेस मिलके लोकां दी आवाज नूं दबाना चाहुंदे आ। सड़क ही नहीं, विधानसभा के अंदर भी यही नजारा दिखाई दिया। वहां सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे अकाली दल के विधायकों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्लैकर्ड और नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे इन विधायकों ने कैप्टन सरकार पर किसानों के अपमान का भी आरोप लगाया। मुंबई में बिजली गुल होने से जुड़े साइबर अटैक पर केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब करेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के मुताबिक साइबर अटैक के सबूत होने पर इस मामले की जांच होगी। हमारे पास कहीं कोई एविडेंस नहीं है, उनके पास अगर कोई इसका साक्ष्य हो तो वो बताएंगे। खबर है कि बंगाल के कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को अभिषेक बनर्जी की पत्नी के यूके में बैंक खाते होने की जानकारी मिली। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनकी रिश्तेदार मेनका गंभीर के यूके में बैंक खाते होने की खबर है, जिनके बारे में सीबीआई ने वहां से जानकारी मंगवाई। उसकी नजर उनके लंदन के कुछ खास बैंक खातों पर है, जिनके बारे में कोयला घोटाले की जांच के दौरान पता चला। इस बीच इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई 10 मार्च तक टल गई। ममता सरकार की ओर से दायर याचिका सीबीआई जांच के खिलाफ थी, लेकिन सुनवाई टलने से सीबीआई को अपना जवाब देने के लिए थोड़ा समय मिल गया। WWE रेसलर रहे खली अखिलेश यादव से मिले। WWE रेसलर रहे खली ने लखनऊ में एसपी नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई, साथ ही उन्होंने लोगों से भी कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। हरभजन सिंह की फिल्म फ्रेंडशिप का टीजर जारी कर दिया गया। टीएमसी के एक प्रधान का नशे में डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि ये वीडियो बंगाल के मेदिनीपुर के कांथी का है, जिसमें टीएमसी का प्रधान नशे में झूमता दिखा। हालांकि पार्टी के बड़े नेताओं ने वीडियो में दिखने वाले शख्स को पहचानने से मना कर दिया। हम तो परेशान थे।
बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 या 5 मार्च को हो सकती है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही पार्टी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। इंग्लैंड के एक्सेटर शहर में मिले दूसरे विश्व युद्ध के खतरनाक बम को धमाका करके नाकाम कर दिया गया। उस जंग के दौरान हिटलर ने ब्रिटेन पर कई बम बरसाए थे, ये बम उन्हीं में एक था जो कि इतना ताकतवर था कि जैसे ही उसे डेटोनेट किया गया धरती थर थर कांप उठी। जिस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था वहां हजार किलो के बम के फटते ही ऐसे कान फाड़ देने वाली आवाज हुई कि 8 किलोमीटर दूर तक लोग दहल उठे। बम के ब्लास्ट होते ही सैकड़ों फीट ऊंचे मलबे का फव्वारा ऐसे फूटा जैसे किसी खतरनाक ज्वालामुखी का लावा। पूरे इलाके के ऊपर इतना घना धुआं छा गया जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई विकराल आग लग गई हो। आसपास की कई इमारतें तो धमाके को सह तक नहीं पाई। बताया गया कि 3 दिन पहले जैसे ही प्रशासन को जर्मनी के गिराए इस बम की भनक लगी उनके कान खड़े हो गए और पूरे इलाके को खाली कराकर बम को नाकाम किया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में एक लड़के की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। लड़के की मौत से नाराज लोग सड़कों पर उतर गए और पुलिस से उलझ गए। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया और उन्हें बुरी तरह तोड़फोड़ दिया। इलाके के लोगों ने पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और हादसे के पीछे की वजह ठहरा दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही आसपास के थानों से भारी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे और हंगामे को शांत करवाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से दहशत से भर देने वाली एक तस्वीर सामने आई जहां कपड़ों और किताबों से भरे एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आशंका जताई गई कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ और जो तस्वीरें सामने आई उनमें खिड़कियों से तेज लपटे और धुआं उठता नजर आया। वहां मौजूद लोग खिड़की के जरिए लपटों पर पानी की बौछार करते दिखे जबकि कुछ आग बुझाने के लिए एक दीवार तोड़ते नजर आए। गोदाम के जिन हिस्सों में आग नहीं फैली थी वहां से लोग सामान निकालकर बाहर लाने लगे। इस बीच फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच गई और आग बुझाने की कवायद शुरू कर दी। लपटों के शांत होने पर दमकल कर्मी गोदाम के जल रहे एक हिस्से में पहुंचे और पानी की बौछार करने लगे। तत्काल गाड़ियां भेजी गई और आग बुझाई जा रही है, लोगों को बुझा रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कई घंटों तक मेहनत की जिसके बाद आग बुझ गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर दौरे पर जाएंगे। वो पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उनका मालवीय नगर इलाके में कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हैं और जयपुर में कई जगह उनके स्वागत के कार्यक्रम हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोकतंत्र की मांग पर रैली निकाल रहे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। देश में राजशाही खत्म करने और लोकतंत्र लाने के लिए वहां हाल ही में रिडेम यानी रीस्टार्ट डेमोक्रेसी नाम के एक नए संगठन की शुरुआत हुई और उसकी तरफ से ही ये रैली बुलाई गई थी जिसकी भनक लगते ही सुरक्षा बल की कई टीमें रैली वाली जगह पहुंच गई और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने लगी। इसके बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी डरकर छिपे नजर आए तो कई वहीं जमे रहे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा बल ने लोगों से शांति से रैली खत्म करने की अपील की थी लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने बल का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां भी दागी। इस हंगामे में कई लोग घायल भी हो गए जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। रैली और फिर पुलिस की कार्रवाई की वजह से सड़क पर कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ममता बनर्जी के भाई बाबुन बनर्जी की कार को पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी। घटना के बाद बाबुन बनर्जी अपनी गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी से चले गए जबकि पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर गाड़ी भी जब्त कर ली।